नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। फ्रेंड्स, जैसे कल हम लोग एनालिसिस में डिस्कशन किए थे कि इसी वे में मेरे लिए बाजार ओपन नहीं है, हालांकि आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक गैप अप खुला और ये एवरीडे आजकल हो भी रहा है। ठीक है कि एवरीडे थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, हालांकि आज थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। ओके, और ऑल टाइम हाई टेस्ट भी किया, जो हैमर पैटर्न बना था यहाँ से, और जिस लॉजिक को मैं आपको शेयर किया था कि जब भी हैमर कैंडल बन रहा है ना, इसके बाद बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक टारगेट तो इसका डन हुआ, आज का हाई है इसका 45,9,000, मेरा फाइनल टारगेट है 46,300 का। ठीक है, तो इस पैटर्न का 46,300 तक बैंक निफ्टी जाना चाहिए। नो डाउट आज रेड कैंडल बना है, कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि फिनेंस निफ्टी का आज एक्सपायरी है, मैं भी थोड़ा बाजार नीचे आए तब भी हम लोग इसमें बुलिश ट्रेड बना के जाएंगे, तो मेरे लिए अभी मार्केट बाई है, ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है, और कल चूंकि ओवर बॉट जोन में क्लोजिंग दिया था, इसलिए मैं इसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया, और मेरे लिए व्यू था कि भाई इसी वे में ओपन नहीं है, पहले नीचे आना चाहिए। देखिए आज जब गैप अप खुला ना, तो पहला ट्रेड मेरा शॉर्ट का था, मैं इसी कैंडल में शॉर्ट किया था। राइट, ये जब कैंडल रेड ग्रीन देख रहे हैं, पहले रेड बन रहा था, मैं रेड कैंडल में शॉर्ट किया था और 45,500 का मैं कॉल सेल किया था। हालांकि मैं कम क्वांटिटी किया था क्योंकि कल एक अच्छा प्रॉफिट था और मार्केट भी बुलिश लग रहा था, बट ये मेरे परफेक्ट सेल रेंज में था, लेकिन पहले मेरा एसएल कटा और इमीडिएट आ गया। राइट, तो 45,500 का कॉल को मैं सेल किया था 470 रुपया में, मेरा एसएल था 510 रुपया। राइट, ये 540 से 550 तक चला गया था, तो मेरा एक एसएल हिट हो गया। फिर मैंने आपको ट्रेड दिया था, आप लोगों को भी, क्योंकि जब यहाँ एक कैंडल नीचे आया ना, तो ये यहाँ से ना इमीडिएट नीचे आ गया था, 450 450 440 आ गया था, बहुत ही फास्ट गति से नीचे आया। तो मैं वेट कर रहा था कि एक बार ये 470 या 80 चले जाए या 500 के रेंज में चले जाए तो मैं शॉर्ट करूँ, मैंने आप लोगों को भी दिया था, लेकिन ये गया नहीं। जब यहाँ से रिवर्स किया तब भी ये केवल 430 या 425 तक गया था, इतना तेज गति से इसका प्रीमियम गिर गया था। इसके बाद तो क्या बढ़िया गिरा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होता अगर आप यहाँ से देखें, ये जरूर छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये गिरा कहाँ से, देख रहे हैं आप, 800 900 के आसपास से ये गिरा लगभग 300 तक। ठीक है, तो एक बड़ा ट्रेंड था, लगभग 500 पॉइंट का ट्रेंड था, एक अच्छा प्रॉफिट मिला होता, लेकिन ये मिस हो गया अपने से। राइट, तो बाजार अभी भी बुलिश है, और कल जैसे मैंने आप लोगों को फ्री क्लासेस में बता रहा था कि लोअर साइड में आएगा ना, तो स्मॉल टाइम फ्रेम में इधर आपको ट्रेड मिलेगा। राइट, तो देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल पे आ गया है बैंक निफ्टी, और हमने इसमें बाई का पोजीशन ऑलरेडी बना लिए हैं, मैंने बना के गया है, और आप लोगों को भी मैंने टेलीग्राम चैनल में ट्रेड दिया हूँ। ठीक है, जैसे मैं बताया था, क्या आप यहाँ से आप रिवर्सल देखेंगे, अगर यहाँ से भी रिवर्सल देखे होंगे, आपने किया भी होगा ना, तो 350 से कहाँ तक गया था, 660 तक, तो लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी यहाँ से भी आपको मिला होगा। राइट, और एक पॉइंट और शेयर किया था, क्या आप ये डीप देख सकते हैं। ओके, तो आप कितना डीप ढूंढ सकते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आज कितना ट्रेड मिलेगा। राइट, तो अगर रिवर्सल में ट्रेड बनाए होंगे तो नो डाउट यहाँ से भी ट्रेड अच्छा मिला होगा आपको। अब देखिए, अब इस भाव से ना कल इसमें बाइंग आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे लिए कल का लेवल है 45,250, अगर मॉर्निंग में मुझे यहाँ पर मिलता है तो इसमें मैं बाई का प्लान करूंगा, और इंट्राडे का टारगेट रखूंगा 45,600 का, 45,600 का मेरा टारगेट रहेगा, और यहाँ से मैं आईटीएम पुट शॉर्ट करूंगा, और पुट रहेगा मेरा 46,000 का। ठीक है, 46,000 का पुट रहेगा, इसमें ज्यादा ज्यादा 50 रुपए कैसे रखूंगा मैं, और मुझे लगता है दो बार प्लान करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कम क्वांटिटी में करिएगा, और एक हमारे पास हेजिंग का ट्रेड है ही है, 46,000 का पुट शॉर्ट करके एटीएम बाई हमारा है ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऊपर के खुल के ऊपर ही चले जाएगा तो कोई बात नहीं, ऊपर खुल के ऊपर गया ना तो इसमें बाई नहीं बनेगा। राइट, इसे खुलना चाहिए यहाँ, मतलब खुल के थोड़ा नीचे आना चाहिए, तब इसमें हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, और इंट्राडे का टारगेट 45,600 में भी ऊपर चले जाए, वेल एंड गुड, अगला टारगेट इसका 46,300 का होना चाहिए। तो मुझे लगता है अपर साइड में मार्केट मूवमेंट देना चाहिए, तो अगर ये 45,200 250 के रेंज से रिकवरी देता है, कोई भी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलेगा, तो मुझे लगता है पहला ट्रेड हमें बाई का करना चाहिए, मतलब बाई प्लान करना चाहिए। राइट, तो सिंपल, शॉर्ट नहीं करेंगे, अभी नीचे आएगा शॉर्ट मत करिए, फंसा देगा। राइट, यहाँ से बाई का प्लान करेंगे,
ये पब खुलेगा शॉर्ट नहीं होगा, मे भी थोड़ा बहुत नीचे आए फिर रिकवर कर जाएगा, तो यहाँ से कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा, हम लोग बाई का प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुला पहले नीचे आए तो फिर रिवर्सल में हम लोग बाई का प्लान करेंगे, तो फिर टारगेट हमारा 45,800 की तरफ भी हो जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है, समझ गए। ओके, पहला ट्रेड हुआ दोस्तों बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी बहुत स्ट्रांग है और अभी कोई नेगेटिव सेटअप बना नहीं है मार्केट में कि इसमें शॉर्ट के बारे में सोचिए। हालांकि सब लोगों को लग रहा होगा यार और बाजार कितना जाएगा, और ये तो लोगों को जब से ऑल टाइम हाई ब्रेक किया ना तभी से लग रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर 20,000 चले जाएगा तो क्या करोगे भाई साहब, ये बोलते बोलते ना 19,800 चला गया। आज इसका हाई क्या है, 19,760, मतलब 800 के रेंज में चला गया ना मार्केट। अगर आप इसमें बेरिश सोचते रहेंगे तो डीमैट खाली हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट बुलिश है, बुलिश सोचिए, बुलिश की तरफ ट्रेड देखिए, बुल ट्रेड बनाइए तो ट्रेड अच्छा रहेगा, राइट। देखिए 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर दिया हूँ, एक अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है। मुझे लगता है मॉर्निंग में ब्रेकआउट कर जाएगा, गैप डाउन खुल जाएगा तो लोअर लेवल से हमें बाई मिलेगा 19,660 का लेवल से, ठीक है, यहाँ से हम लोग बाई कर लेंगे। अगर यहाँ से फ्लैट खुलता है या थोड़ा ऊपर खुलता है, यहाँ टाइम स्पेंड करता है, जरूर बाई करना चाहिए 19,770 या 19,780, ठीक है, यहाँ पर बाई का प्लान करना चाहिए। स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते ही ना ये अगला टारगेट 19,850 की तरफ पे देने वाला है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है निफ्टी में अपने को, अपर साइड का शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ से बाजार नीचे भी आता है शॉर्ट अवॉइड करिए, लेकिन लोअर लेवल से जब रिकवर करेगा 520 के क्रॉस ओवर में, क्रॉस ओवर मिल जाएगा तो इसमें हम लोग बाई का प्लान करेंगे, इसमें भी ट्रेड एक अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्लान होना चाहिए दोस्तों। और देखिए शॉर्ट होगा ना तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, नो डाउट कि इस वे में नीचे आ जाए, हो सकता है कल ये नीचे आ जाए या नीचे जाके क्लोजिंग कर जाए, फिर एक दिन के बाद रिकवरी करे, नो डाउट ऐसा हो सकता है। लेकिन प्लान करना चाहिए भी नीचे से बाई का, ऊपर से बाई का प्लान मत करिए। बुलिश मार्केट में ऊपर से बाई का प्लान करेंगे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी नीचे आए लोअर लेवल से कोई रिकवरी का सेटअप दिखे तो उसमें बाई करना चाहिए, वो बाई प्लान हमारा ज्यादा अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके का ट्रेड है। देखिए आज फिनेंस निफ्टी बहुत ही अच्छे लेवल में आया, और फिनेंस निफ्टी में भी जैसे कल मैं बताया था कि अगर ये 250 के आसपास आता है ना तो यहाँ से बाई करेंगे, ये लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी है, राइट। तो आप यहाँ से भी देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से ट्रेड किया, मैं तो नहीं किया, आज मैं 1,60,000 लॉस में हूँ, राइट, 1,60,000 लॉस में हूँ मैं ओवरऑल, राइट। तो आज मैं लॉस में हूँ, मैं यहाँ नहीं किया, क्योंकि यहाँ से जब मैं शॉर्ट किया था, राइट, एक्चुअली यहाँ से मेरे पास एक स्ट्रगल था। जब प्राइस नीचे आया, जब प्राइस इस लेवल का ब्रेक डाउन कर गया, फिर मैं देखा कि अब इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अब मिड रेंज है 20,300, तो मैं यहाँ बनाया बटरफ्लाई और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया। देखिए इसमें जब यहाँ पर स्ट्रगल बनाया था ना, जब ये स्पाइक मारा था तो लगभग मेरा 90,000 रुपये लॉस चला गया था, 90,000 लॉस चला गया था। जब ये ट्रेड बनाया तो 1.5 लाख प्रॉफिट का ट्रेड बनाया था, लेकिन मिला 70,000, क्योंकि परफेक्ट भाव में क्लोजिंग नहीं दिया ना, ये 30-40 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया, बट जब तक मैं क्लोजिंग किया मेरे भाव में था मार्केट और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बॉटम से बाई करेंगे ना तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, बजाय कि यहाँ से बाई करने का या फिर ऊपर ब्रेकआउट कर रहे हैं इसमें बाई करने का, नहीं, आपको नीचे से समझना चाहिए, नीचे से ट्रेड करना चाहिए, बाई का प्लान करना चाहिए, आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, राइट। कल आपको अगेन 20,200 से आपको बाई का ट्रेड देने वाला है, यहाँ से अगर मॉर्निंग में यहाँ खुलता है एक प्लान जरूर कर सकते हैं, अपर साइड में यहाँ तक का टारगेट आपको मिलना चाहिए। गैप अप नहीं खुलेगा तो आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा, गैप अप खुल जाएगा तो ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन फिनेंस निफ्टी में 20,200 से परफेक्ट ट्रेड मिलेगा आपको, 30-35 पॉइंट कैसे रखना पड़ेगा, कोई आईटीएम पुट ऑफ शॉर्ट इसमें प्रीफर कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ फिनेंस निफ्टी का लेवल। चलिए देखते हैं स्टॉक जिसमें कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहला स्टॉक है बजाज फिनेंस। देखिए इस स्टॉक के बारे में ना मैं कई दिनों से आप लोगों के बीच चर्चा कर रहा था कि ये स्टॉक ना एक अच्छा रिवर्सल देगा। हालांकि डेली चार्ट में आप देख रहे हैं रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, मे बी कल अगर ये नीचे जाता है 7,350 के बिलो तो फिर ये शॉर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज 5 मिनट के चार्ट में देखे ना तो बहुत ही परफेक्ट रिवर्सल दिया है, बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आया,
और देखिए एक सिंगल ग्रीन कैंडल कितना अच्छा मोमेंट है, ये दोनों कैंडल को हैमर मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो मोमेंट आया है लगभग 70 पॉइंट के आसपास का मोमेंट दिया। हम लोगों ने 7400 का लाइव में कॉल बाई किए थे, एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया इसमें। हालांकि बाद में नीचे आ गया, अगर इधर ही रहता ना तो इसमें मैं पोजिशनल भी लेके जाता, लेकिन इसकी क्लोजिंग ना थोड़ा नीचे आ गया है। तो कल बोथ साइड ट्रेड दे सकता है, अगर कल 7350 के बिलो नीचे जाता है ना तो हम लोग इसमें शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में पहले यहाँ पर बाई सोचना चाहिए क्योंकि सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, अगर ये 7400 में 5 मिनट के चार्ट में कोई बुलिश कैंडल बनता है इस टाइप का तो हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पर बाई का प्लान कर सकते हैं, अगर थोड़ा नीचे खुल जाए तो, और टारगेट एटलीस्ट यहाँ रखेंगे। तो हमें लगभग 20-25 पॉइंट कैसे रखना पड़ेगा, इसमें सिंगल कैंडल का लो का ऐसे रखेंगे और अपर साइड में 50 पॉइंट 60 पॉइंट का हमारा टारगेट हो सकता है। तो नजर रखिएगा बजाज फाइनेंस में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, यह है बंधन बैंक, इसे भी नजर रखिए, बहुत ही परफेक्ट रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो कल इसे ना फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल आपको वेट करना पड़ेगा 214 में, 214 में वेट करना पड़ेगा, फिर यहां से ना इतना बड़ा रिवर्सल मिल सकता है। इंट्राडे में नहीं होगा, पोजिशनल में इतना बड़ा रिवर्सल मिल सकता है। इसमें मैं एक ना बुलबुला स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मतलब एक कॉल बाई करूंगा, एक कॉल बाई रहेगा, ठीक है, और एक कॉल सेल रहेगा, और एक पुट इसमें सेल कर देंगे। ठीक है, एक पुट सेल कर देंगे, अगर कल ग्रीन कैंडल बन जाता है फिर ये रिवर्सल ना बहुत अच्छा मिल सकता है, तो इसमें प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल में जितने लोग ज्वाइन नहीं है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेवल आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, 214-213 इसी भाव से एक हमें हमें 15 मिनट के चार्ट में ग्रीन कैंडल चाहिए, तो इंट्राडे में एटलीस्ट कम से कम 6-7 रुपए का रिवर्सल हम लोग इसमें देख सकते हैं, तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, नजर रखिएगा बंधन बैंक में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों विप्रो। देखिए 2 दिन पहले बहुत अच्छा मूवमेंट आया, इसमें 1-2 दिन तक थोड़ा शांति बने रहेगा आईटी में, इसके बाद आईटी में फिर से बाइंग आएगा, राइट। तो कल आप इसमें अगेन नजर रख सकते हैं, कल इसमें बाइंग करेंगे, इसमें भी पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। कल हम लोग इंट्राडे में इस लाइन के ऊपर बाई कर सकते हैं, मतलब 420 के ऊपर बाई कर सकते हैं, इस लेवल का एसएल डाल देंगे, 417 का एसएल, और टारगेट रखेंगे इसका मतलब 425 का। तो नजर रखिएगा विप्रो में, कल एक ट्रेड इसमें मिल सकता है अपने को। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, देखिए एक अच्छा सेटअप बन रहा है, एकदम टॉप में इनसाइड है, ये ब्रेकआउट देने वाला ऐसा लगता है, ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंट आ जाएगा, कल हम लोग इसमें बाई कर सकते हैं अगर अपर साइड में निकलता है तो। ठीक है, मदरसन सुमी, राइट, तो अपर साइड में नजर रखिए इस लाइन के ऊपर, और परफेक्ट बाई क्या होगा, परफेक्ट बाई होगा 97 के ऊपर, 97 के ऊपर बाई करेंगे, 96 का एसएल रखेंगे, इस 200 ईएमआई का एसएल, 97 के ऊपर बाई और 100 का टारगेट हमारा होना चाहिए, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड बनेगा दोस्तों। और नजर रखिएगा एक स्टॉक का, और ये ना मुझे 2 दिन से परेशान कर रहा है, गुजरात गैस, राइट। इसका चार्ट देखिए, लास्ट डे मैं बाई किया था ये नीचे आ गया, और आज इसमें शॉर्ट हुआ था ये ऊपर चला गया, तो 2 दिन से ना इसमें मेरा 2-2 रुपया कैंसिल गया है। कल अगर मान लो आज के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इस लो का एसएल डाल के ना इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है, हालांकि 10 रुपये एसएल होगा तो एक फ्यूचर बनाया जा सकता है इसमें, और टारगेट कम से कम अपर साइड में 483 की तरफ होना चाहिए। तो नजर रखिएगा गुजरात गैस में, कल एक अच्छा कैंडल देखने के बाद इसमें बाई का प्लान करेंगे, राइट। मुझे लगता है इसमें एक मोमेंट मिल जाना चाहिए, थोड़ा नीचे मिलना चाहिए, 462 के आसपास मिलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर इसमें 2 रुपये कैसे डालेंगे और बाई का प्लान करेंगे, राइट। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर लेवल, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। और हाँ, आज दूसरा स्टॉक है, कल मैंने फर्स्ट स्टॉक शेयर किया है बीएससी लिमिटेड का, आज दूसरा स्टॉक शेयर करूंगा, आप वीडियो जरूर देखिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।